एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 75,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। लाइन बाजार थाना में 10 मई 2020 को नमामि गंगे परियोजना के तहत जनपद में चल रहे कार्य के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण व रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को न्यायाधीश ने गवाहों और तमाम साक्ष्यों के आधार पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व सांसद के साथी संतोष विक्रम सिंह को भी 7 वर्ष की सजा और 75,000 जुर्माना लगा है। इस मामले में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पांडेय ने बताया कि 3 अलग-अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई है। एक मामले में 5 वर्ष तथा 2 अन्य मामलों में 1-1 वर्ष की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। इस मामले में धनंजय सिंह ने पत्रकारों से कहा है कि उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट से सजा हुई है। अब हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। न्यायालय पर भरोसा है। धनंजय सिंह के अधिवक्ता राहुल तिवारी ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल द्वारा उनके मुवक्किल के ऊपर रंगदारी अपहरण जैसे मामले में केस दर्ज कराया था। हालांकि बाद में सारे गवाह और खुद वादी भी इससे मुकर गया था। इस मामले में बुधवार को पूर्व सांसद को 7 वर्ष का कारावास एवं 75,000 जुर्माने की सजा हुई है। 10 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।